वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की, फिर डीवी को लेकर अतुल प्रसाद जी का नया बयान आ गया है, और फाइनली बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, तो उसकी क्या बड़ी खबर है, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक संशोधन जारी हो गया है, आप देख सकते हैं। पहले बताया गया था कि 10 अक्टूबर को बीपीएससी अपना परिणाम घोषित कर देगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन हो गया है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि 10 अक्टूबर की जगह संभावित तिथि पढ़ा जाए, यानी कि अब ये कंफर्म नहीं है 100% कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ ही जाएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, ठीक है। तो संभावित पढ़ा जाए, यानी कि संभावित तिथि में रिजल्ट जारी होगा। अब कब तक जारी होगा इसको लेकर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं आ सकता, आ सकता है। 10 से 16 के बीच में अब रिजल्ट आएगा, ये अब आप समझिए, ठीक है। बहुत ही जल्द कल परसों में रिजल्ट आएगा। पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद माध्यमिक का, फिर प्राइमरी का। तो ऐसा नहीं है कि सभी रिजल्ट एक ही बार एक ही दिन में घोषित हो जाएंगे। पहले 11वीं 12वीं का, फिर 9वीं 10वीं का, फिर 1-5 का रिजल्ट आएगा। तो ये क्लियर हो जाती है यहाँ से कुछ चीज़ें। अतुल प्रसाद जी के ट्वीट की बात करते हैं, इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं। अतुल प्रसाद जी ने काफ़ी समय बाद शिक्षक भर्ती संबंधी कोई ट्वीट किया है, और ये डीवी से संबंधित है। ये चेतावनी है उन सभी छात्रों के लिए जो लोग डीवी कराने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि इट इज़ फाउंडेड, ये पाया गया है कि इन द स्क्रूटनी ऑफ टीआरई, जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ था, इसका स्क्रूटनी जब हमने किया, जब हमने जांच किया सभी डीवी का जो छात्रों ने सबमिट किया था, ठीक है। तो पहले तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, आपको पता ही है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की डीवी हो गई है, उनका डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी छात्रों ने रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, और वो डीवी के समय उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जो सही सर्टिफिकेट उनका था वो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यानी कि काफ़ी छात्रों ने माध्यमिक, कुछ माध्यमिक में फर्जी मार्कशीट अपलोड की है, ठीक है। और जब डीवी हुआ है तो उस समय ये लोग पकड़े गए हैं जब डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी हुई है। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इस वजह से आपको डीवी से निकाला जा सकता है, और आगे उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, इट इज़ श्योर, ये श्योर है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो इसका परिणाम होगा वो सीवियर होगा, यानी कि जो इसका परिणाम होगा वो काफ़ी सीवियर होगा, काफ़ी भयानक होगा। तो जिन छात्रों ने भी गलत डीवी अपलोड की है, गलत डीवी सबमिट कर दिया है, अपने सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से उन्होंने बनवाए हैं और डीवी के समय सबमिट कर दिए हैं, तो इसका जो परिणाम होगा ये परिणाम सीवियर होगा, ये परिणाम भयानक होगा, कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है। तो इससे दोस्तों प्राइमरी वाले भी सचेत हो जाएं, किसी को भी गलत सर्टिफिकेट अब लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। जिन्होंने अपलोड भी कर दिया है वो भी पकड़े जा सकते हैं। यदि आप डीवी में नहीं गए तो भी, आपने यदि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है, और जो लोग पहुँच जाएंगे उन पर तो 100% कार्रवाई होगी। ये दोस्तों बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, एक इंडिपेंडेंट संस्था है, अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। यहाँ पर कोई गड़बड़ी करके आप शिक्षक बन जाएं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेटेस्ट अपडेट की, जो आज बीएड का सुनवाई होने जा रहा है। कोर्ट नंबर 7 में आपको पता ही है मामला ये लगा हुआ है 9 अक्टूबर को, और यहाँ पर जस्टिस हैं ऑनरेबल AS बोपन्ना और MM सुंदरेश, ठीक है। मामले की सुनवाई 10:30 बजे शुरू होगी, ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो काफ़ी जल्दी मामले को लिस्ट करके सुना जाएगा, और उम्मीद है कि आज काफ़ी सुनवाई इसमें होगी। सरकार तो अपना पक्ष रख ही लेगी, उसके बाद देखना होगा कितना समय बचता है और BA DLED के पक्ष को रखने में कितना समय लगता है। सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सबको सुन लिया जाएगा, और बहुत जल्द इसका ऑर्डर भी आ जाएगा, क्योंकि SLP में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है सुप्रीम कोर्ट। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज दिन है BED के छात्रों के लिए भी, DLED के छात्रों के लिए भी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है उसको किस तरीके से लागू करवाती है, 11 अगस्त के बाद या उसके पहले, या फिर जिस दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन क्वेश्चन किया था, क्या उस डेट से ये लागू होगा, उस डेट से बीएड बाहर होगा, या फिर 28 जून के बाद जितने भी भर्तियां हुई हैं सबसे बाहर हो जाएगा, या फिर 11 अगस्त के बाद ये ऑर्डर लागू होगा। तो यही कुछ सुनवाई देखने को मिलेगी। योग्यता पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, बस
किस डेट से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा, इस पर बहस होने जा रही है। जो भी अपडेट होगी आपको सूचना दिया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि जल्दी सुनवाई खत्म होगी और सब कुछ बेहतर होगा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।